हेलो एवरीवन, दिस इज़ सीमा शर्मा, वेलकम टू माय चैनल। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, फाइनेंशियल रिस्क। क्या होती है फाइनेंशियल रिस्क? है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये फाइनेंशियल रिस्क क्या होती है, फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क को हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं और कैसे जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो इसको कवर करता है, इसकी स्टडी करता है। तो अभी आज वीडियो में आपको मैं समझाऊंगी कि फाइनेंशियल रिस्क क्या होती है। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए बेटा, किसी भी बिजनेस में टू टाइप की रिस्क होती है। मेजर रिस्क जो होती है वो फाइनेंस से रिलेटेड टू टाइप्स की रिस्क होती है, आप ध्यान रखेंगे इसको। फर्स्ट है ऑपरेटिंग रिस्क और बिजनेस रिस्क। सबसे पहली कौन सी है? ऑपरेटिंग रिस्क और बिजनेस रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क और बिजनेस रिस्क किससे रिलेटेड है? दिस रेफर्स टू द रिस्क ऑफ इनएबिलिटी टू डिस्चार्ज परमानेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट, रेंट ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट ऑफ सैलरी, इंश्योरेंस, इंस्टॉलमेंट एक्सेट्रा। ये ऐसी रिस्क होती है जिसमें हम अपने परमानेंट खर्चों को भी भुगतान करने की या पे करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं, ठीक है? तो उसे हम ऑपरेटिंग रिस्क कहते हैं। ये डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, यानी कंपनी की ऑपरेशंस और वर्किंग से रिलेटेड है। और इसमें रिस्क किससे रिलेटेड होती है? कि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं अपने फिक्स खर्चों का, जैसे रेंट है बिल्डिंग का वो पे नहीं कर पा रहे हैं, सैलरीज पे नहीं कर पा रहे हैं, इंश्योरेंस का इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे रिस्क को हम ऑपरेटिंग रिस्क कहते हैं और इसको बिजनेस रिस्क भी कहते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग रिस्क? तो ऑपरेटिंग किससे रिलेटेड, ऑपरेटिंग रिस्क किससे रिलेटेड हुई? ऑपरेशन से, डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड। तो ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी अगर आपकी पेमेंट, फिक्स पेमेंट्स करने की कैपेसिटी नहीं रहती, इनएबिलिटी क्रिएट होती है, तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग रिस्क कहते हैं, ठीक है। अब आता है फाइनेंशियल रिस्क, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस रेफर्स टू द रिस्क ऑफ इनएबिलिटी टू फिक्स फाइनेंशियल पेमेंट्स। यहाँ तो क्या थे? डिस्चार्ज पेमेंट थे जो आपके ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, और यहाँ क्या है? आपके फाइनेंशियल पेमेंट है। अब फाइनेंशियल पेमेंट कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कि आपने जो भी लोन ले रखे हैं उस पर आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड देना पड़ता है, ये आपके लिए फाइनेंशियल रिस्क है और ये आपका फिक्स खर्चा है, ठीक है, फिक्स पेमेंट्स है। ओके, रिटर्न ऑफ डेप्ट, डेप्ट कैपिटल, अगर आपको कोई कैपिटल डेप्ट रीपे करने हैं, मान लीजिए आपने 5 ईयर के लिए 5 लाख रुपीज़ का लोन लिया था, ओके, अब वो 5 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं, तो अब आपके ऊपर रीपेमेंट का भी बर्डन है, तो आप वो रीपेमेंट करने की कैपेसिटी रखते हैं या नहीं रखते? एज़ प्रोमिस्ड बाय द कंपनी, कंपनी ने जो प्रॉमिस किया था कि भाई मैं इंटरेस्ट टाइम पे करूँगा, मैं डिविडेंड टाइम पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करूँगा, और रीपेमेंट भी किसका? लोन्स का जो हमने ले रखे हैं, या डिबेंचर्स का भी जो ले रखा है उसको रीपे करने का जो बर्डन होता है, उस बर्डन को पे करने की कैपेसिटी अगर कंपनी में नहीं है, तो उसी कंडीशन को हम फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? क्या ऑपरेशन रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क तो रिलेटेड होती है डे टू डे ऑपरेशन से, ठीक है, डिस्चार्ज पेमेंट से, कि हाँ हम डे टू डे एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं, ऑपरेशंस जो कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी पेमेंट होते हैं, फिक्स पेमेंट, कौन से फिक्स पेमेंट, वो सारे किस में आएंगे? ऑपरेटिंग रिस्क में आएंगे। यानी अगर हम उनको पे करने की कैपेसिटी नहीं रखते, तो ये रिस्क कौन सी है? ऑपरेटिंग रिस्क है। पर अगर हम अपने फिक्स फाइनेंशियल पेमेंट्स पे करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं, तो वो आती है फाइनेंशियल रिस्क में। हमको जो अपने जो लोन ले रखे हैं उन पे जो इंटरेस्ट हमें फ़िक्स पे करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमें डिविडेंड फिक्स पे करना है, और हमने जो लोन ले रखे हैं उनको हमें रीपे भी बिल्कुल टाइम पे ही करना है, ये बर्डन बेटा ऐसे होते हैं जिनको हम आगे टाल नहीं सकते हैं, ये फिक्स होते हैं और इनको पे करना कंपलसरी होता है, इसमें किसी भी बात की रिबेट नहीं होती है। इंटरेस्ट पे करना है, दैट मीन्स करना ही करना है, लोन्स का रीपेमेंट करना है, दैट मीन्स करना ही करना है, तो ये बर्डन फिक्स होते हैं, और अगर इनको पे करने की कैपेसिटी कंपनी नहीं रख पा रही है, तो ये बहुत क्रूशियल कंडीशन होती है और इसे हम
फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। द टोटल रिस्क ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन बोथ ऑफ दीज टाइप ऑफ रिस्क। अब टोटल रिस्क कितनी हुई, किसी भी बिजनेस की टोटल रिस्क कितनी हुई, अगर ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क दोनों को ऐड कर दिया जाए तो बिजनेस की टोटल रिस्क निकल के आ जाएगी कि कितनी तो उसकी ऑपरेटिंग रिस्क है और कितनी उसकी फाइनेंशियल रिस्क है। जब दोनों को टोटल कर दिया जाएगा तब क्या निकल के आएगी, टोटल रिस्क ऑफ द बिजनेस। ओके, इफ़ द ऑपरेटिंग रिस्क इज इन बिजनेस इज लेस, अगर ऑपरेटिंग रिस्क कम है यानी ये रोज़मर्रा के खर्चे थोड़े कम है, द फाइनेंशियल रिस्क कैन बी फेस विच मीन्स द मोर डेप कैपिटल कैन बी यूटिलाइज। अगर ऑपरेटिंग के खर्चे कम हैं तो हम चीप लोन्स ले करके या लोन ले करके आराम से काम चला सकते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग के खर्चे हमारे कम हैं। पर अगर कंडीशन ऐसी हो कि आपके ऑपरेटिंग वाले खर्चे यानी रेंट पेमेंट्स वगैरह सैलरी के बहुत ज़्यादा हैं तो आपकी कैपेसिटी इंटरेस्ट पे लोन वगैरह लेने की कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रिस्क जितनी कम होगी आप उतना ज़्यादा लोन लेने की बोरोड फंड लेने की कैपेसिटी आपकी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी। On the contrary, if the operating risk is high, the financial risk likely to be created after the greater use of debt capital should be avoided. यानी अगर आपके ऑपरेटिंग खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, आपको बहुत सारे पेमेंट्स वगैरह फिक्स रेंट वगैरह के सैलरी के इंश्योरेंस के इनके फिक्स पेमेंट करने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा हैं, तब आपको लोन लेने की कैपेसिटी आपकी कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों रिस्क एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऑपरेटिंग रिस्क का इंक्रीज होना आपको बोरोड फंड को लेने की कैपेसिटी को कम करता है और ऑपरेटिंग रिस्क अगर कम होती है तो आपकी बोरोड फंड लेने की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि आप पे फिक्स बर्डन कम है, आपको ऑपरेटिंग खर्चे कम करने पड़ते हैं। सो दैट ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क इस तरीके से दो तरीके की रिस्क होती है, दोनों को मिला दोगे तो किसी भी बिजनेस की टोटल रिस्क निकल के आ जाएगी। ऑपरेटिंग रिस्क ऑपरेशन से रिलेटेड, फाइनेंशियल रिस्क फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होती है। ऑपरेटिंग रिस्क आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ की जितनी ज़्यादा होगी आपको लोन लेने की कैपेसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपकी ऑपरेटिंग रिस्क कम है तो आपकी बोरोड फंड लेने की कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये आज का टॉपिक था फाइनेंशियल रिस्क से रिलेटेड। होप करती हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा, टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें अभी भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ओके एंड बाय बाय।